चैनल मेक ओवर लाइफ, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर बॉडी केयर रूटीन। सो जो यूजुअली मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अब समर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस दौरान जो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन और जो बॉडी केयर रूटीन करती हूँ वो आपका शेयर करूँगी। तो आज की वाली वीडियो में जो पार्ट होगा सिर्फ वो बॉडी केयर से रिलेटेड होगा, फेस केयर से मैं आपके साथ दोबारा कोई वीडियो शेयर कर दूँगी। एंड ये मेरी फॉक्सी के साथ एक कोलैबोरेटेड वीडियो है और फॉक्सी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, तो आप वहाँ फॉक्सी पे जाके अपने आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी वजह से आप जब भी वीडियो डालोगे उनके कोलैबोरेशन के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। सो यही था इंट्रोडक्शन वीडियो, और बहुत सिंपल सी समर रूटीन होगी, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। इससे आपकी बॉडी पर जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी, पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी, अगर कहीं पर स्पॉट्स वगैरह तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को कहीं भी कोई भी स्पॉट्स नहीं है, कोई भी टैनिंग नहीं है, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के ध्यान रखती हूँ जो बॉडी केयर मैं रूटीन फॉलो करती हूँ। सो देख लेते हैं मेरी बॉडी रूटीन क्या है, और जितने मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, अब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बॉडी केयर में सबसे फर्स्ट पार्ट है बॉडी शावर। तो यहाँ पर मैं शावर जेल ले रही हूँ लूफा में, इससे मैं अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इससे आपकी स्किन है वो एक्सफोलिएट भी हो जाती है, जो थोड़ा बहुत गंद रह जाता है वो भी निकल जाता है, साथ में अगर आपके पोर्स में जो गंद है वो इकट्ठा हो गया है तो वो भी रिमूव हो जाता है। तो लूफा बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इसे मैं पूरी बॉडी पर ऑल ओवर अप्लाई करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा फोम भी क्रिएट होता है। नॉर्मल सोप से मुझे लूफा काफ़ी अच्छा लगता है बॉडी वॉश के साथ, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छे से हैंडी भी हो जाता है, और आपका लार्ज पार्ट का एरिया है वो भी कवर कर लेता है। सोप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो ये जो बॉडी वॉश होते हैं इनमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और किसी में तो अल्कोहल होता भी नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम यूज़ करेंगे बॉडी स्क्रबिंग। बॉडी स्क्रबिंग से मैंने जैसा बताया कि आपके बॉडी पे जो भी पिगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाएगी, साथ में आपकी बॉडी पे जो भी गंद है वो रिमूव हो जाएगा, आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सो बहुत अच्छे से मैं करती हूँ, ये टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये मैंने फ्रूट स्क्रब यूज़ करा है, इससे आपके अगर बॉडी पे कोई टैनिंग हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, कहीं पर स्पॉट्स वगैरह है, तो उसे ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टैनिंग के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रब है। अगर आप घर में भी स्क्रब बना सकते हैं बेसन को चीनी को मिक्स करके, ये स्किन एक्सफोलिएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया। उसके बाद बारी आती है बॉडी पैक की। पैक लगाने से आपकी स्किन है वो टाइट बनती है, जैसे फेस वाले जो चीज़ें होती है वही आपकी बॉडी पे भी अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके बाद पैक अप्लाई करती हूँ, तो ये पिगमेंटेशन पैक है, क्योंकि बॉडी पे मुझे पिगमेंटेशन हो जाती है कई कबार, और अब समर आ गई है तो टैनिंग की प्रॉब्लम भी रहेगी और सेट भी रहेगा, तो इसीलिए मैं पैक अप्लाई करता कि जो मेरी बॉडी है वो भी टाइटन अप रहे, ब्राइट लगे। सो इससे मेरे जो स्किन का टेक्स्चर है वो भी इम्प्रूव होता है। A few moments later. 10 मिनट बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया था, तो इसे मैं वेट टॉल की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। आप तो शावर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके बाद और भी जो है स्क्रब स्टेप करने थे, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा पैक था। उसके बाद बारी है बॉडी टोनिंग की। जैसे मैं फेस पे टोनिंग करती हूँ, मैं अपनी बॉडी पे भी हफ्ते में एक बार टोनिंग ज़रूर करती हूँ। टोनिंग करने से आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है, आपके पोर्स हैं वो फ्रेशन अप रहते हैं, आपकी बॉडी भी फ्रेशन अप रहती है। सो इसे मैं पूरी बॉडी पे अप्लाई करूँ। यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर अप्लाई करा था और उसे अच्छे से सुखा रही हूँ। उसके बाद लास्ट स्टेप है स्किन मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र। सो मैं इसके लिए ले रही हूँ यहाँ पर लोशन। लोशन से आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है। बॉडी के लिए मैं ऐसा लोशन यूज़ करती हूँ जो हाइड्रेट ज़्यादा करे और स्टिकी ना हो, तो ये लोशन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अपने फेस को मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है वैसे बॉडी को भी होती है। सो गाइस यही थी मेरी आज की रिलेटेड वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे यूजफुल लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और ये मेरी फॉक्सी के साथ कोलैबोरेटेड वीडियो थी, फॉक्सी की डिटेल सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट करके प्लीज़ उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में फॉक्सी पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट, क्योंकि अभी नायका वगैरह पे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, शायद आपको मे भी मिल जाए, और वहाँ पर बहुत सारा डिस्काउंट मिलता रहता है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।